नए विभागों की रचना और उसके अनुरूप यहाँ पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है उसके निर्माण की भी एक बड़ी परियोजना के लोकार्पण के इस कार्यक्रम को यहाँ पर आज संपन्न किया है। मैं विश्वविद्यालय को इस बात के लिए हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ पर दीक्षांत समारोह के अवसर पर आप सबने, जब कुलपति जी ने आप सबको दीक्षांत उपदेश दिया था, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि दीक्षांत उपदेश आपको क्या प्रेरणा दे रहा है, सत्य बोलने के बारे में, धर्म के पथ पर चलने का और स्वाध्याय में कभी भी प्रमाद न करने का। कुशल कार्य में प्रमाद न करने और जब भी अवसर मिले तो महान बनने के अवसर से अपने आप को वंचित न करना, अपने उन सामान्य शिष्टाचार और संस्कारों को सदैव बनाए रखना, यानी माता पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति, अतिथि के प्रति क्या भाव हमारे मन में होना चाहिए, ये सदैव बनाए रखना, ये सब उपदेश उन्होंने आज यहां पर अपने दीक्षांत उपदेश में आप सबके सम्मुख उपाधि वितरण करने के पूर्व यहां पर कहे। वास्तव में इसकी प्रासंगिकता हर देश, हर काल और हर परिस्थिति में हम सबके सामने बनी हुई है, और ये तब जब हम लोग आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। देखिए, हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने विकलांग शब्द को दिव्यांग शब्द के साथ जोड़ करके और दिव्यांगता यानी हम सबके अंदर एक दिव्य शक्ति है, जिस दिव्य शक्ति का एहसास इस समाज को होना चाहिए, और जब भी उचित अवसर किसी व्यक्ति को प्राप्त हुआ है उसने अपनी दिव्य शक्ति का लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए पूरा अवसर हमें दिया। इसलिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को विकलांग शब्द के स्थान पर दिव्यांग शब्द देना और इसके माध्यम से दिव्यांग जनों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। पहले दिनों कोरोना कालखंड के दौरान मैं देख रहा था, दुनिया की सदी की सबसे बड़ी आपदा से हम जूझ रहे थे, और उस दौरान एक बार ये भी बात आई थी कि आखिर अलग अलग तबके के लिए शासन के अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं, तो दिव्यांग जनों के लिए क्या हो रहा है। एक साथ 10,68,000 के आसपास दिव्यांग जनों को शासन ने एक मुफ्त पेंशन देने के अलावा कोरोना कालखंड के दौरान उन्हें 1,000 रुपए की धनराशि भी उनके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से देने का कार्य किया। दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए शासकीय सेवाओं में जो पहले उनकी कैटेगरी कम थी उसको बढ़ाने का प्रयास भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, और आज जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ रही है, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ जब हम जुड़ते हैं तो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारी स्वदेशी आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन पर आधारित है, अगर आप देखें तो हमारी वर्तमान जो सदी चल रही है, इस सदी के जो सबसे बड़ी बात है, सदी ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की सदी के रूप में जानी जाएगी, और ज्ञान आधारित इस अर्थव्यवस्था के लिए जानी जाने वाली सदी में तीन प्रमुख बातें बहुत मायने रखेंगी। एक परंपरागत ज्ञान, दूसरा परंपरागत ज्ञान में जो इनोवेशन है इसका महत्व होगा, और तीसरा देश के अंदर
स्टार्टअप संस्कृति की शक्ति को जानना। जैसे आप सोत कहते हैं, हम लोग अक्सर क्या देखते थे, अक्सर बच्चा किसी एक पक्ष को लेकर के, कोई छात्र किसी एक पक्ष को लेकर के जाता था अपने फाइनल ईयर में, उसे एक प्रोजेक्ट का कार्य दिया जाता था, लेकिन वह प्रोजेक्ट उसके आगे भावी जीवन में किस रूप में उपयोगी बन सकता है इसको जोड़ने का कभी प्रयास नहीं किया। और मुझे लगता है कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति इन तीनों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से आपके जीवन में आप सबको और इस समाज को भी और इस देश को भी आत्मनिर्भरता की ओर सही और स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए एक अवसर प्रदान कर रहा है। और इसके लिए हमारे संस्थान को, जितने भी शैक्षणिक संस्थान है, इन सबको अपने आप को तैयार करना होगा। एक नई चुनौती है आपके सामने। आपने कोरोना से सफलतापूर्वक उभरने के उपरांत राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के विश्वविद्यालय स्तर पर एक कमेटी का गठन करना, उसके एक पक्ष के बारे में कार्य करना और फिर उसके सफलतम क्रियान्वयन के पक्ष को भी आगे बढ़ाने का कार्य करना, और अगर आप इस दिशा में प्रयास कर सकेंगे तो सचमुच आपको अपने भावी जीवन में ज्ञान के पीछे का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को केवल सैद्धांतिक पक्ष तक सीमित न रख करके उसका व्यवहारिक पक्ष भी आप सबके सामने दिखाई देगा। जब डॉक्टर शकुंतला मिश्रा दिव्यांग जनों के लिए स्थापित यह राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय अपना सप्तम दीक्षांत समारोह यहां पर आयोजित कर रहा है, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज यहां पर बहुत सारे छात्र छात्राओं को उनकी उपाधियां यहां पर वितरित की गई और पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ दीक्षांत समारोह यहां पर संपन्न हो रहा है। और इसकी सबसे बड़ी विशिष्टता इस बात को लेकर के है कि जिस विदुषी के नाम पर विश्वविद्यालय बना है, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा जी के नाम पर, आज उनकी ग्रैंड डॉटर को भी यहां पर पहली पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई है। यही तो जीवन की उपलब्धि है। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा जी की आत्मा को असीम शांति की अनुभूति हो रही होगी कि उनके नाम से बने विश्वविद्यालय में पहली पीएचडी की डिग्री उनकी ग्रैंड डॉटर ने अर्जित की है। और ये मुझे लगता है कि भारत की ज्ञान की प्रवाह की परंपरा को हम सबको गौरवशाली बनाने की ओर अग्रसर करता है। मैं आज के इस अवसर पर उपाधि धारण करने वाले सभी जितने भी इस विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं, इन सबको मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, उनके परिवार के सदस्यों को, उनके आचार्यों को और पूरे विश्वविद्यालय परिवार को भी हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि विश्वविद्यालय उन सभी भावनाओं को जो एक अभिभावक की है, एक छात्र छात्रा की है, जो समाज की है, उन सभी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए विकास, नवाचार और स्टार्टअप की इस नई संस्कृति को, भारत की परंपरागत ज्ञान की संस्कृति को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। श्रीमान, आपके इस विश्वविद्यालय के प्रति प्रकट विचार हमारा संबल है। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि इस विश्वविद्यालय को हम सब मिलकर और ऊंचाइयों तक ले जाने का निरंतर प्रयत्न करते रहेंगे। मैं कुलपति महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वे आज के समारोह की अध्यक्षता कर रही विश्वविद्यालय की कुलाध्यक्ष महोदया तथा उत्तर प्रदेश की माननीय श्री राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल से अनुरोध करें कि वे नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड संस्था द्वारा संचालित
समेकित शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत अध्ययनरत 5 देशभक्त बालिकाओं को वस्त्र, फल एवं मिठाई वितरित करने की कृपा करें। समारोह की अध्यक्षता कर रही विश्वविद्यालय की कुलाध्यक्ष महोदया तथा उत्तर प्रदेश की माननीय श्री राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वे नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड संस्था द्वारा संचालित समेकित शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत अध्ययनरत 5 दृष्टिबाधित बालिकाओं को अपने कर कमलों से वस्त्र, फल और मिठाई वितरित करने की कृपा करें। विश्वविद्यालय के लिए ये एक ऐतिहासिक क्षण है जब माननीय श्री राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय की कुलाध्यक्ष महोदया जी की एक दूरदर्शी संकल्पना के अनुरूप उच्च शिक्षा परिसर में भविष्य के भारत का प्रतिनिधित्व कर रही बालिकाओं का एक समूह हम सब के समक्ष उपस्थित है, जिन्हें देख जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियों का स्मरण हो आता है। आज भी क्या है नित्य किशोर, उसी क्रीड़ा में भाव विभोर, सरलता का वह अपनापन, आज भी है क्या मेरा धन, तुम्हारी आंखों का बचपन। धन्यवाद। मैं कुलपति महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वे आज के समारोह की अध्यक्ष विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष श्रीमती आनंदीबेन पटेल माननीय श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश को अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु आमंत्रित करें। मैं आज के समारोह की अध्यक्ष विश्वविद्यालय की कुलाध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी से अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु विनम्र निवेदन करता हूँ। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मुख्य अतिथि एवं पूर्व अध्यक्ष साहित्य अकादमी नई दिल्ली डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी, उत्तर प्रदेश के माननीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री श्री अनिल राजवर्धी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री हेमंत राव जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राणा कृष्ण पाल सिंह जी, कुल सचिव श्री अमित कुमार सिंह जी, सामान्य परिषद, कार्य परिषद एवं विद्या परिषद के सभी सदस्यगण, विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकगण, अधिकारी एवं कर्मचारीगण, समस्त छात्र छात्राएं, आमंत्रित सभी महानुभाव, उपस्थित सभी अभिभावक, समावेशी शिक्षा के माध्यम से दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण एवं उनको मुख्य धारा से जोड़ने का समर्पित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ के सप्तम दीक्षांत समारोह के इन गौरवशाली क्षणों में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अति प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इस विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होने के नाते मेरे लिए इस विलक्षण क्षण का महत्व कुछ और अधिक ही है, क्योंकि विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययन के उपरांत अन्य विद्यार्थियों संग दिव्यांग विद्यार्थियों को उपाधि एवं विभिन्न पदों से अलंकृत किया जा रहा है। दीक्षांत समारोह के ये ऐतिहासिक पल विद्यार्थियों के साथ ही विश्वविद्यालय परिसर को सदैव स्मरणीय रहेगा। पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण एवं उनकी कविता पर आधारित दीपिका का आज उद्घाटन भी हुआ है। मुझे विश्वास है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की यह प्रतिमा हमारे विद्यार्थियों को सदैव आगे बढ़ने एवं देश प्रेम की प्रेरणा देती रहेगी। श्रद्धेय अटल जी का विशाल व्यक्तित्व हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत बना रहा है। उनकी ओजस्वी काव्य रचनाएं हमारी अमूल्य धरोहर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री द्वारा
नई राष्ट्रीय नीति हमारे सामने रखी गई है। मैं थोड़ी सी बातें नई शिक्षा नीति के बारे में करना चाहती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी समाज और राष्ट्र का उन्नत विकास और भविष्य उनकी उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली एवं गुणवत्ता पर निर्भर करता है। अतः देश के उज्जवल भविष्य के संजोए गए सपनों को साकार करने के उद्देश्य से अनेकानेक विचार विमर्श उपरांत नई राष्ट्र नीति 2020 के रूप में शिक्षा के नवीन रूप का आविर्भाव किया गया। नई शिक्षा नीति में स्कूल कॉलेज के सभी स्तरों पर सबकी एक समान पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। स्कूल कॉलेज छोड़ चुके बच्चों को फिर से मुख्य धारा में शामिल करने के लिए स्कूल कॉलेज के बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्र की स्थापना प्रस्तावित है। नए पाठ्यक्रमों और शैक्षणिक संरचना के साथ प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान देते हुए स्कूल अभ्यासक्रम के 10+2 ढांचे की बजाय 5+3+3+4 के नए पाठ्यक्रम की संरचना लागू की है। हालांकि इसे इंफ्रास्ट्रक्चर एवं शिक्षकों के विभाजन की समस्या के लिए इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। नई शिक्षा नीति में छात्रों को यह स्वतंत्रता होगी कि यदि कोई कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं तो वह पहले कोर्स से एक खास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकते हैं और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसके उपरांत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में महत्वपूर्ण सुधार मल्टी एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम के रूप में दाखिल किया है। इसके अंतर्गत 3 या 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम में छात्र जिस स्तर पर पाठ्यक्रम को छोड़ दें उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। हालांकि ऐसे पाठ्यक्रमों में इस प्रकार महत्वपूर्ण सुधार करना होगा जो कि एक बड़ी चुनौती है और वे विश्वविद्यालय को भी सोचना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम एवं MOOCs मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जैसे नवाचारी प्रयास छात्रों के हित में एक अहम फैसला है। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC की स्थापना की जाएगी जो विभिन्न मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों से अर्जित शैक्षणिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से संकलित कर सकेंगे। अकादमिक क्रेडिट बैंक का मुख्य उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में छात्रों की गतिशीलता को सुगम बनाना है ताकि अपनी डिग्री अर्जित करने के लिए छात्र किसी भी समय इन संकलित क्रेडिट का उपयोग कर सकेंगे। वोकेशनल एजुकेशन पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर जोर दिया गया है। जर्मनी में ड्यूअल ट्रैक व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम से देश में प्रतिवर्ष 5 लाख स्किल्ड प्रोफेशनल तैयार किए होते हैं। इस प्रोग्राम में क्लास स्टडी एवं ऑन द जॉब वर्क एक्सपीरियंस दोनों का समावेश होता है। जर्मनी में व्यावसायिक विद्यालय ने इस हेतु 43,000 कंपनी के साथ भागीदारी की है और प्रतिवर्ष 80% प्रशिक्षु और ट्रेनी को यह कंपनियां सेवा योजित कर देती हैं, मतलब जॉब्स देती हैं। वोकेशनल एजुकेशन के सुधार के लिए उपरोक्त मॉडल का अध्ययन हमें करना पड़ेगा और इसी तरह हमारी विद्यालयों में या यूनिवर्सिटियों में ये करने की आवश्यकता है। समग्रतया नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत रोड मैप बनाया जाना आवश्यक है। इसमें कोई संदेह नहीं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने पूरी ईमानदारी से उन समस्याओं बाधाओं को पहचाना है जो लड़कियों की शिक्षा के रास्ते में आती है। उक्त नीति में शिक्षा के सभी स्तरों पर वंचित समूहों की समान सहभागिता सुनिश्चित की गई है एवं उनमें विशेष रूप से वंचित महिलाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें पहला कदम शिक्षा में बालिकाओं की भागीदारी
बढ़ाने के लिए जेंडर समावेशी फंड की व्यवस्था की गई। माता पिता की खराब आर्थिक स्थिति के कारण समय पर फीस न देने पाना, पाठ्य पुस्तकें, यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते न खरीद पाना, नियत रूप से महाविद्यालय आने जाने के लिए आवागमन की व्यवस्था न कर पाना, खेती बाड़ी एवं कृषि कार्य में लगी होने से पढ़ाई न कर पाना इत्यादि कारणों से बेटियों का उच्च शिक्षा में प्रवृत्त होना समय नहीं हो पाता। उनके लिए छात्रवृत्ति, परिवहन के लिए साइकिल, निःशुल्क छात्रावास इत्यादि अनेक सरकारी योजनाओं से उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी कायम हुई है। अकादमिक क्रेडिट बैंक मतलब एबीसी की स्थापना से महिलाओं को सर्वाधिक लाभ होना होगा, क्योंकि व्यक्तिगत एवं पारिवारिक कारणों से उनकी गतिशीलता बहुत अधिक रहती है। उपरोक्त के अतिरिक्त मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम में अनेक विकल्प वाले विषयों का प्रावधान भी महिलाओं के लिए अधिक उपयोगी होगा, जिससे उन्हें विभिन्न स्तरों पर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एवं डिग्री प्राप्त करने के अनेक अवसर उपलब्ध होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ एक विशेष प्रकृति का विश्वविद्यालय है। नई शिक्षा नीति में दिव्यांगों हेतु दी गई व्यवस्था के सापेक्ष कुछ सुधार मैं रखना चाहती हूँ। आंगनवाड़ी, बालवाड़ी केंद्र और प्राथमिक विद्यालयों में दिव्यांग छात्रों के लिए उच्च शिक्षा गुणवत्तापूर्ण विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी द्वारा सामान्य शिक्षकों को एवं पुनर्वास तथा परामर्शदाता शिक्षा पाठ्यक्रम द्वारा विशेष शिक्षा प्रदान की जाती है। इन दोनों परिषदों के मध्य पाठ्यक्रम में एकरूपता होनी चाहिए। नीति में कौशल की बात की गई है, परंतु दिव्यांगों की कार्य क्षमता के अनुरूप अन्य और उपयोगी कौशलों का भी आकलन करना होगा। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वीडियो एडिटिंग, रेडियो तथा वॉइस आर्टिस्ट इत्यादि के लिए प्रशिक्षण दिया जा सकता है। नीति में त्रिभाषा सूत्री की बात की गई है, जो कि बधिर एवं नेत्रहीन छात्रों के लिए अनुपयोगी है, इस पर विचार किया जाना उचित होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं, लेकिन सबसे महत्व का यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अमलीकरण कैसे होगा। नई शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्य एवं उद्देश्य स्पष्ट है कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर एवं स्कूल कॉलेजों की नई व्यवस्थाएं मिलेगी, परंतु यह उल्लेखनीय है कि शिक्षा प्रणाली में शिक्षक एवं अध्यापक केंद्रस्थ है। शिक्षक एवं अध्यापक को नवीन शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षित किए जाने चाहिए, उस पर ज्यादा बल देना पड़ेगा। इसके लिए विशेष प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम बनाया जाना है पर्याप्त नहीं होगा, अपितु शिक्षकों अध्यापकों की मानसिकता में भी बदलाव आवश्यक होगा। वन नेशन वन सिलेबस की भावना संदर्भ में समग्र भारतवर्ष में शिक्षकों को तैयार करने भी अत्यंत आवश्यकता है। इसी तरह राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रथम 5 वर्ष में 3 वर्ष आंगनवाड़ी एवं कक्षा 1 एवं 2 सम्मिलित है। नीति के सुचारू कार्यान्वयन के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देना होगा। आंगनवाड़ी में क्या क्या प्रवृत्ति करनी होगी इत्यादि के संबंध में विशेष सामग्री लर्निंग मटेरियल भी तैयार करना होगा। अभिभावकों को भी ये नई शिक्षा नीति के संबंध में जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करना होगा, जिससे कि नई शिक्षा नीति के लक्ष्य एवं उद्देश्यों का उचित क्रियान्वयन हो सके। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्य में नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए प्राथमिक
शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विविध आयामों का प्रदेश के विशेष संदर्भ में गंभीरता से मंथन किया जा रहा। वर्तमान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अंतर्गत विद्यार्थियों के चतुर्दिक विकास एवं रोजगार परक शिक्षा प्रदान किए जाने की दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा लब्ध प्रतिष्ठित संस्थानों विद्वानों से इस पर निरंतर विचार विमर्श किया जा रहा है। हमारी सभी यूनिवर्सिटियों को इस दिशा में काफी काम करने पड़ेगा और सबसे ज्यादा टेक्निकल का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि 60% ऑनलाइन अध्यापन पठन पाठन होगा मित्रों, और 40% अध्यापक पढ़ाएंगे। तो अभी से इस दिशा में हम प्रयास नहीं करेंगे तो 2021-22 में नए कोर्स अमल में आएंगे। दूसरा, जो कोर्स हमारे सामने आज है इसमें भी काफी बदलाव करना पड़ेगा। आने वाले 25 साल में देश को क्या चाहिए, कौन से विषय नए इसमें दाखिल करना पड़ेगा, इसका भी मंथन करना पड़ेगा और धीरे धीरे करके हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको नया कुछ न कुछ नवाचार देना पड़ेगा मित्रों। तो इस हिसाब से आज हमारी जो दिव्यांगजनों के लिए जो यूनिवर्सिटी बनी है, यूनिवर्सिटी अपने तरीके से सोचे, क्योंकि ये पहली यूनिवर्सिटी है जिसमें सामान्य स्टूडेंट्स और दिव्यांगजन एक साथ पढ़ते हैं मित्रों, और इसी वजह से कई लाभ दोनों को मिल रहा है। आप सब ने बहुत ही परिश्रम करके अवार्ड प्राप्त किए हैं, आज आप सबको अवार्ड दिया गया है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री श्री ने जो कहा, अवार्ड तो मिलते रहेंगे, हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन एक कुशल नागरिक बनना, कुशल नागरिक बनने के बाद देश के लिए कुछ काम करना, ये प्राथमिकता देनी पड़ेगी मित्रों। हम मांग करते हैं कि हमारे लिए क्या किया, देश ने क्या किया, समाज ने क्या किया, यूनिवर्सिटी ने क्या किया, लेकिन इसके साथ ये भी साथ में सोचो कि मैंने देश के लिए क्या किया और मैं देश के लिए क्या कर सकता हूं। ये हमारी शिक्षा का मध्य बिंदु है। आज जिस स्टूडेंट्स को, छात्र छात्राओं को अवार्ड प्राप्त हुआ है, सबको मैं बधाई देती हूं और आप आगे बढ़ते रहिए और देश को भी आगे ले जाने का सतत प्रयास करते रहिए, और जीवन में ऐसी कोई समस्या आपके द्वारा खड़ी न हो कि जिसकी वजह से आप भी परेशान हो, परिवार भी परेशान हो और समाज भी परेशान हो। ये संकल्प करके आप जाइए। धन्यवाद।